संबंध, संबंध गणित में वास्तव में एक नियम होता है जिसके द्वारा दो अवयवों के संबंध को दिखाया जाता है। दो सेटों के जो अवयव होते हैं, जैसे एक सेट ए है जिसके अवयव 1, 4, 9, 16 और दूसरा सेट है बी और इसके अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम एक संबंध ऐसा लें जहां सेट ए के अवयव वर्ग हो सेट बी के अवयव की, तो हम कहेंगे कि एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित हो रहा है। इसके लिए हम ए से बी की तरफ एक तीर का निशान लगाएंगे और जो संबंधित अवयव है जैसे एक वर्ग है एक का, तो हम एक को एक से मिला देंगे तीर का निशान ए से बी की तरफ लगा के। इसी तरीके से 4 वर्ग है 2 का, तो 4 से तीर का निशान 2 की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से जो अवयव जिससे मिल रहे हैं उनकी तरफ तीर का निशान लगा देते हैं और पढ़ते हैं इसे ए एक, फिर ये समुच्चय का समुच्चय जो हमारा संबंध है उसे पढ़ते हैं, 1 वर्ग है 1 का, 4 वर्ग है 2 का, 9 वर्ग है 3 का, 16 वर्ग है 4 का। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है उसे हम कहेंगे प्रांत। तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा बताई, संबंध एक नियम है जिससे दो सेटों के अवयव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्रांत पहला सेट होता है जहां से संबंध परिभाषित होना है दूसरे सेट में, और सह प्रांत दूसरा सेट कहलाता है। यहाँ पर ए सेट प्रांत है और बी सेट सह प्रांत है, और बी सेट के जो अवयव संबंधित हो चुके हैं उनका जब सेट तैयार होता है, जैसे यहाँ पर ये डॉटेड लाइन में दिखाया है 1, 2, 3, 4, ये इसका परिसर है, इसे रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो सह प्रांत और परिसर में मुख्य अंतर है वो ये है कि परिसर जो होता है वो सब सेट होता है सह प्रांत का। तो कभी कभी सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाते हैं जब इसके सभी अवयव इससे मैच कर जाते हैं, कोई खाली नहीं रहता। यहाँ पर ये 5 खाली है, संबंधित नहीं हुआ है, इसलिए परिसर और सह प्रांत अलग है। अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सह प्रांत और परिसर एक ही है। जहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है उसमें ये हो जाता है कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत से संबंधित हो जाते हैं और इस दिशा में सह प्रांत और परिसर एक ही हो जाते हैं, वास्तव में ये अलग है। अब हम देखते हैं संबंध को निरूपित हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि संबंध जो परिभाषित होता है वो किसी एक सेट में हो सकता है, जैसे इन दोनों को मिलाकर हम अगर एक सेट बनाएं जिसे हम रियल नंबर का सेट कहते हैं, या तो ये पूर्णांकों का सेट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही इसी तरीके से हम करते जाएं, तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये R में ही परिभाषित हो रहा है जिसके दो सेट बना दिए हैं A और B और फिर उन्हें संबंधित कर दिया है। तो ये वास्तव में रियल नंबर है और ये संबंध का नाम है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस रखना चाहिए इसमें। तो हम कह सकते हैं कि संबंध R वास्तविक संख्याओं के या फिर पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं संबंध को निरूपित करने की विधियां। पहली है प्रतिचित्रण विधि, इसमें जो सेट प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें एक संबंध परिभाषित होना है उनको दो
बेन आर की तरह इसमें ले लेते हैं, एक सेट इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, और फिर जो अवयव इस नियम का पालन करता है उसको संबंधित अवयव से मिला देते हैं, तो यह एक चित्र जैसा तैयार हो जाता है जिसे हम प्रतिचित्रण विधि कहते हैं। जब सेट के अवयव सीमित संख्या में होते हैं तब ये प्रतिचित्रण विधि उपयुक्त रहती है। तो यहाँ पर दरअसल हमने प्रतिचित्रण विधि से ही समझाया है। दूसरी विधि है सूची विधि। इसमें क्या है, इन अवयवों की एक सूची बना लेते हैं, जैसे एक को एक से मिलाएंगे, चार को दो से, नौ को तीन से और सोलह को चार से, इनकी एक सूची बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे ये सूची तैयार है। सूची विधि में ये संबंध का नाम है R, और जो एक से एक पेयर हो रहा था क्रमित युग्म को हमने कलेक्ट कर दिया है। पहले नंबर वाले एक सेट के अवयव हैं, एक एक, चार दो, नौ तीन, सोलह और चार। इस तरीके से जो क्रमित युग्म आते हैं वो उनका हमने सेट बना दिया है और इसको नाम दिया है R। इस तरीके से ये एक सूची विधि हो गई है। वास्तव में संबंध जो है सबसेट है ए क्रॉस बी के सेट का। ए क्रॉस बी, अगर ए में यहां पर जैसे कि कितने अवयव हैं, एक दो तीन चार, जो संबंध है उसमें पहले पहले नंबर के अवयव होते हैं वो प्रांत के अवयव होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू फोर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यहां तो फोर है लेकिन वहां एक पांच बचा हुआ है, इसलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू फाइव। टोटल तो बीस पेयर होंगे ए क्रॉस बी में, लेकिन उसमें से चार पांच पेयर ही ऐसे हैं, ये पांच जो इस संबंध की शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि इसमें 20 अवयव हैं, इसमें 5 ही अवयव हैं, तो निश्चित रूप से R जो है इनका सबसेट है। दूसरी विधि, पहली प्रतिचित्रण, दूसरी सूची, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि है। तीसरी नियम विधि। नियम विधि में एक नियम लिख दिया जाता है जो पूरे संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ए हमने ये सेट लिखा और बी ये लिखा, फिर नीचे हम लिखते हैं आर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये नियम लिखेंगे आर बराबर ए बी सच दैट ए वर्ग है बी का। तो ए और बी प्रत्येक क्रमित युग्म जो कि संबंध का अवयव है इसका प्रतिनिधित्व करता है। ए प्रांत का करता है, प्रांत के अवयवों का, और बी दूसरे नंबर के जो अवयव है रेंज के इनका करता है। ए वर्ग है बी का। अब यहां पर हम ये खुद ही मिला लेंगे कि एक वर्ग है एक का तो एक के साथ एक आएगा, चार वर्ग है दो का तो चार के साथ दो आएगा, नौ वर्ग है तीन का तो नौ के साथ तीन, और सोलह वर्ग है चार का तो सोलह के साथ चार आएगी। वास्तव में जब अवयवों की संख्या असीमित होती है, बहुत ज्यादा होती है, असीमित तो नहीं बहुत ज्यादा होती है, तो हम इस नियम का उपयोग करते हैं। तीसरा नियम, चौथा नियम जो है उपसमुच्चय विधि। इसमें क्या है कि संबंध का नाम लिखते हैं और एक प्रतिनिधि क्रमित युग्म जो होता है ऑर्डर्ड पेयर होता है वो ले लेते हैं, बताते हैं कि ये जो है अवयव है ए क्रॉस बी का, और आगे ये नियम लिखा जाता है जैसे ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बहुत सारे ये अवयव आएंगे, 20 आएंगे, उसमें पांच ये दिए हुए हैं और एक प्रतिनिधि कर दिया हमने
ए भी अवयव है ए क्रॉस बी का, इस शर्त का पालन करते हुए। तो इस तरीके से हमने देखा कि संबंध की परिभाषा क्या है। संबंध वास्तव में एक नियम है जिससे दो सेटों के अवयव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। पहले सेट को हम प्रांत, दूसरे को सह प्रांत कहते हैं, और जितने अवयव इसमें मैच कर जाते हैं उनके सेट को अलग बनाते हैं तो वो परिसर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संबंधों के प्रकार, जिसमें होंगे तुल्यता संबंध जो कि चार से मिलकर बना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध।